आज का क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज डिक्रीज्ड बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट डज इट्स सीएसए डिक्रीज। सीएसए ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू, फोर पाई आर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 4π d/2 का स्क्वायर। d मीन्स डायमीटर, पाई d की स्क्वायर आफ्टर डिक्रीजिंग। CSA is equal to 4π, डायमीटर इसमें क्या कर दिया है, डिक्रीज बाय 25%, d/2 है, इसको 25% अगर घटा देंगे तो 75π/100। ट्वेंटी फाइव की टेबल 3 और ये 4, CSA is equal to 4π d^2 / इसका 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 हो जाएगा, सिक्सटी फोर। फोर से इसको 16 बार में काट देते हैं, ये हो गया 9π d/2। डिक्रीज इज इक्वल टू 6 में कितना का डिक्रीज हुआ, पहले इतना था और अब ये इतना है, पाई डी की स्क्वायर माइनस 9/16 पाई डी की स्क्वायर इज इक्वल टू 7π d/16। परसेंटेज डिक्रीज इन CSA, इज इक्वल टू 7π d/16 बाय पाई डी की स्क्वायर। ये ऊपर वाले के साथ नीचे वाले के साथ ये मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो पाई डी की स्क्वायर से पाई डी की स्क्वायर कट गई, 7/16 इंटू 100 इज इक्वल टू 43.75%। इसको हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं कि डायमीटर को हम कोई भी नंबर से उसको मान लेते हैं, उसके बाद फिर हम रेडियस से निकालेंगे। सेकेंड मेथड, लेट डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू 8,
सो रेडियस विल बी 4. न्यू डायमीटर इज इक्वल टू 8/4 × 3. 25% डिक्रीज हुआ है. 2 = 6. आर इज इक्वल टू 3. CSA ऑफ फर्स्ट एंड CSA ऑफ सेकेंड. CSA 1 मान लेते हैं, रेशियो CSA 2. 4 πr² r means 4 × 4. 4π 3 × 3. 4π से 4π कैंसिल. 16:9. डिफरेंस कितना है इसमें? सेवन का डिफरेंस हो रहा है ये 16 और 9 में. तो परसेंटेज डिक्रीज इन CSA इज इक्वल टू 7/ टोटल कितनी है 16 पहले, और बाद में घट के कितनी है 7. तो पहले कितनी थी 16 × 100 इज इक्वल टू 43.75%. आज के वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.